नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के जो फुल कोर्स चल रहा है उसका 77th लेक्चर है ये। इससे पहले जितने भी लेक्चर पढ़ाए गए हैं जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही सरल भाषा में और सटीक भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर सीरीज़ है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, नगर पालिकाएँ। इसके पहले आपने पंचायती व्यवस्था पढ़ लिया होगा, वो भी बहुत अच्छा चैप्टर था और एकदम सदाबहार टॉपिक आप कह सकते हैं उसे, हर परीक्षा में वो जरूर पूछा जाता है। और उसी प्रकार नगर पालिकाएँ भी हैं, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाग 9 अभी तक आपने पढ़ लिया है पंचायती राज व्यवस्था, आज हम भाग 9A पढ़ेंगे जिसमें शहरी जो स्वशासन व्यवस्था है नगर पालिकाएँ वो हमें पढ़ना है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक है। जैसे PQR ऐसे जेड तक है, उसके बाद जेड के बाद ZA ZB इस तरीके से आर्टिकल शुरू हो गए हैं। तो कुल मिला जुलाकर 18 आर्टिकल्स हैं, इनके बारे में भी डिटेल में हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो स्थानीय स्वशासन है इसे दो भागों में बांटा गया है, एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था जो कि आपने अच्छे से पढ़ लिया है, अब शहरी क्षेत्रों में या नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिकाएँ हैं। और नगर पालिकाएं भी तीन स्तर की हैं, नगर निगम है, नगर पालिका परिषद है और नगर पंचायत है। तो नगर पालिकाएं तीन प्रकार की हैं, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। इसी के बारे में हमें डिटेल में देखना है। लेकिन उसके पहले आपको कुछ ऐतिहासिक तथ्य मालूम होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही है कि भारत में नगर निगम की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो भारत के अंदर नगर निगम की शुरुआत सबसे पहले मद्रास में हुई थी, टाइम भी आपको याद होना चाहिए, 1687 ईस्वी में। उसके बाद कलकत्ता और मुंबई में नगर निगम की शुरुआत हुई, ये जो टाइम था ये टाइम पीरियड था 1726 का। तो ये दो तथ्य आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से याद होने चाहिए क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। भारत के अंदर मद्रास में सबसे पहले नगर निगम की शुरुआत हुई 1687 ईस्वी की, और उसके बाद कलकत्ता और बम्बई में नगर निगम की शुरुआत हुई 1726 ईस्वी में। इसके बाद ये जो फैक्ट है आपको ऑलरेडी मालूम है कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, पंचायती राज व्यवस्था में भी आपको बताया था। कारण क्या है कि 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की थी इनके द्वारा, और लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय 1880 से लेकर 1884 तक थे। तो ये तीन तथ्य जो ऐतिहासिक तथ्य हैं ये अच्छे से जान लीजिए। आपको मालूम है जब हमारा संविधान बना था संविधान सभा के द्वारा, उस समय नगर पालिकाएं नहीं जोड़ी गई थी, इन नगर पालिकाओं को बाद में जोड़ा गया। अब कैसे कैसे जोड़ा गया इसकी भी कहानी आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले 1989 में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, अर्थात वो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन लोकसभा से तो पास हो गया, राज्यसभा से नहीं पास हो पाया, तो इनका जो प्रयास था वो असफल रहा। तो 1989 में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा जो प्रयास किया गया था वो असफल रहा, संवैधानिक दर्जा नहीं बन पाया। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव की जब सरकार आई तो इन्होंने 74वां संविधान संशोधन अधिनियम बना दिया। ये जो विधेयक है दिसंबर में लोकसभा में पारित हुआ और दिसंबर के ही महीने में राज्यसभा में पारित हो गया 1992 में, और 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए थे। पंचायती राज व्यवस्था का भी 73वां संविधान संशोधन जो था उसको भी 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे। और जो 74वां संविधान संशोधन है जो नगरीय स्वशासन की बात कर रहा है, नगर पालिकाओं की बात कर रहा है, ये 1 जून 1993 से पूरे देश में लागू हो गई। अब 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कहीं आपको 1992 लिखा आएगा, कहीं 1993 लिखा आएगा, फिर से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 1992 लिखा आ रहा मतलब संसद से, देखिए दोनों सदनों से ये 1992 में ही पास हो गया था, लेकिन हस्ताक्षर 1993 में हुए, इसी कारण से ये कानून 1993 में ही बन पाया, क्योंकि किसी भी बिल को अगर राष्ट्रपति साइन करेंगे तभी जाकर वो एक्ट बनेगा। इतना तो आपको मालूम है इतना सब पढ़ने के बाद। अब 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, उसमें हमारे संविधान में क्या परिवर्तन हुए। तो सबसे पहला परिवर्तन यही हुआ कि हमारे संविधान में भाग 9A जोड़ दिया गया, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक थे।
ये पूरी लिस्ट है आपके पास, आर्टिकल 243, PQRSTUVWXYZ। अब जेड के बाद जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, जेड ई, जेड एफ, जेड जी, ये कुल मिला जुला कर 18 आर्टिकल्स हैं, देख लीजिए। और इतना जोड़ने के बाद और एक 12वीं अनुसूची भी जोड़ दी गई। वर्तमान में हमारे संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं, ये भी आपको मालूम है। तो 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई। 12वीं अनुसूची जोड़ने के बाद क्या लिखा गया उसमें, नगर पालिकाएँ क्या क्या काम करेंगी, उन्हें क्या काम करने का अधिकार है, वो 18 विषय लिखे गए। जैसे सड़कें बनाना, नालियाँ बनवाना, प्रॉपर्टी के बारे में जो काम है वो सब निर्धारित किए गए। बहुत सारे काम अभी मैं आगे चलकर आपको लिस्ट दिखा दूंगा, तो ये आपको याद नहीं रखना है कौन कौन से काम, बस आपको एक प्रकार से ये समझना है कि जो नगर पालिकाएँ काम करती हैं, क्या क्या काम करती हैं, वो 12वीं अनुसूची में लिखा हुआ है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ तो हमारे संविधान में क्या क्या परिवर्तन हुए, ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि 74वां संविधान संशोधन की विशेषताएं क्या थी, इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी, किस प्रकार की नगर पालिकाओं को जोड़ा गया। तो याद रखिए, तीन प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन किया गया, नगरीय क्षेत्रों में तीन प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन किया गया। पहला नगर पंचायत, ये नगर पंचायत का गठन वहाँ किया जाता था जो क्षेत्र गांव से शहर की ओर परिवर्तित हो रहे थे। जैसे पहले गांव थे, अब वो धीरे धीरे उनका विकास होता गया, वो शहर बनते गए, वहाँ पर नगर पंचायत की गठन की जाती थी। और वहाँ की जनसंख्या निर्धारित की गई थी कि 10,000 से 20,000 के बीच में जनसंख्या है तो वहाँ नगर पंचायत का गठन किया जाएगा। देखिए, जो ये जनसंख्या का लिमिट है ना, ये आपको याद नहीं रखना है। ये जो 74वां संविधान संशोधन आया था उस समय ये लिमिट का अनुमान दिया गया था कि राज्यों को, कि अगर यहाँ इतनी इतनी जनसंख्या है आपके शहरों में तो इस पंचायत का गठन कीजिए। लेकिन समय के साथ साथ अलग अलग राज्यों ने नए नए नियम बना दिए हैं, तो ये लिमिट आपको बस एक अनुमान देने के लिए है। देखेंगे आप, अगर यूपी में रह रहे हैं तो यूपी में कई और नियम बन गए हैं, तो ये आपको लिमिट याद नहीं रखनी है। ये लिमिट 74वें संविधान संशोधन के समय बनाई गई थी ताकि अनुमान लगाकर नगर पंचायत का गठन किया जा सके या नगर निगम का गठन किया जा सके। तो नगर पंचायत का गठन वहाँ किया जाता था जहाँ की जनसंख्या 10,000 से 20,000 के बीच में थी और वो क्षेत्र गांव से शहरों की ओर परिवर्तित हो रहे थे। और नगर पालिका परिषद थोड़ा ऊंचे लेवल पे थी, मतलब जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा थी, 20,000 से 3 लाख की जनसंख्या के क्षेत्र में नगर पालिका परिषद का गठन किया जाता था। और 3 लाख से अधिक अगर जनसंख्या महानगर है तो वहाँ पर नगर निगम की व्यवस्था की जाती थी, जैसे पटना, लखनऊ, लुधियाना, तो इस शहरों में, बड़े बड़े शहरों में नगर निगम की व्यवस्था की जाती थी और की भी जाती है। लेकिन आज की डेट में ये लिमिट अलग अलग शहरों में अलग अलग है, अलग अलग राज्यों ने अलग अलग ये नियम कानून बना रखे हैं। यूपी में देखेंगे नगर निगम की शुरुआत वहाँ की जाती है जहाँ की जनसंख्या 5 लाख से ज़्यादा होती है, तो ये आपको लिमिट याद नहीं रखना है, ठीक है। अब बस ये याद रखना है कि जब ज़्यादा जनसंख्या है, महानगर है, तो वहाँ नगर निगम की स्थापना, अगर मीडियम लेवल पर आबादी है तो नगर पालिका परिषद की गठन किया जाता है, अगर छोटे लेवल का शहर है जो गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहा है वहाँ पे नगर पंचायत की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। अब तीनों को संयुक्त रूप से मैं नगर पालिकाएँ ही बोल रहा हूँ, नगर पालिका बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मिडिल वाला केवल नाम ले रहा हूँ, नहीं, नगर पालिकाओं का गठन किया गया है, वो तीन प्रकार की हैं, तो ये नगर पालिकाओं को इंडिकेट किया जा रहा है इन तीनों के लिए, ठीक है। आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, एक नगर पालिकाएँ तीन प्रकार की हैं, आपको मालूम पड़ गया कहाँ कहाँ ये गठित की जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा इन नगर पालिकाओं की संरचना भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले देख लीजिए कि तीनों स्तर पर, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, तीनों स्तर पर सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। जैसे आपने पंचायती राज व्यवस्था में पढ़ा था, सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। देखिए, किसी शहर के अंदर अगर सदस्यों का चुनाव हो रहा है तो उन्हें वार्ड मेंबर कहा जाता है, उनका चुनाव करने के लिए आपके शहर को अलग अलग वार्ड में विभाजित कर दिया जाता है। मान लीजिए ये आपका शहर है, इस शहर को 6 भागों में डिवाइड कर दिया,
ठीक है, 6 वार्ड में परिवर्तित कर दिया। तो आपके शहर में जो मान लीजिए नगर पंचायत था, आपका शहर में नगर पंचायत गठित की गई है, तो यहाँ पे 6 सदस्य होंगे, ठीक है। अलग अलग वार्ड के जो मेंबर होंगे उनका जो चुनाव होगा वहाँ के स्थानीय लोग वोट करेंगे, तो डायरेक्ट वोट करेंगे, 6 सदस्य चुने जाएंगे। तो सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा तीनों लेवल पर, ये आपको समझ में आ गया। अब इनके एक अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष भी हो सकता है अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। ये किसको हक दिया गया है? ये हक दिया गया है राज्य की विधानमंडल को। राज्य की विधानमंडल को अधिकार है कि अगर वो प्रत्यक्ष रूप से अध्यक्षों का चुनाव कराना चाहे तब भी ठीक है, अगर वो अप्रत्यक्ष रूप से कराना चाहे तब भी ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या होगा कि वहाँ की जो जनता होगी शहर की, वही इनका वोट करेगी। अर्थात ये 6 वार्ड में अलग अलग परिवर्तित किया गया है, तो हर हर वार्ड के जो लोग हैं इन्हें दो दो वोट करने पड़ेंगे। एक तो वार्ड मेंबर के लिए वोट करना पड़ेगा और दूसरा अध्यक्ष के लिए वोट करना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर अप्रत्यक्ष रूप से है तो जनता के द्वारा जो चुने गए ये सदस्य हैं ये आपस में सहमति से किसी को अध्यक्ष बना देंगे। इसके अलावा उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष तो इन सदस्यों के साथ ही चुने जाते हैं, इन सदस्यों के अंदर से ही चुने जाते हैं। ये सदस्य जो चुनकर आए गए हैं ये आपस में ही सहमति से किसी को उपाध्यक्ष बना देते हैं। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सदस्य और अध्यक्ष दोनों का जो चुनाव है जनता के द्वारा होता है ज़्यादातर, लेकिन ये अधिकार है राज्य की विधानमंडल को, अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराया जा सकता है, ठीक है। आपको याद रखना है तीनों ही लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। अब नगर पालिकाओं की संरचना में ये भी आपको याद रखना है कि जो सदस्य जनता के द्वारा तीनों लेवल पर चुने गए थे उन सदस्यों को पार्षद भी कहा जाता है, या सभासद कहा जाता है, या वार्ड मेंबर भी कहा जाता है। और नगर पंचायत के अध्यक्ष को नगर पंचायत अध्यक्ष भी कहा जाता है, चेयरमैन भी कहा जाता है। और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को सभापति या चेयरमैन कहा जाता है, और नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखेंगे। और देखिए इन तीनों ही लेवल पर जो शहर हैं अपने अपने शहर में, अगर इनके इनके शहर में कोई सांसद होगा, कोई विधायक होगा, वो भी इनकी नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद या नगर निगम में शामिल होगा, ठीक है, जिस प्रकार से हमने पंचायती राज व्यवस्था में पढ़ा था। तो संसद का कोई सदस्य है या विधानमंडल, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य है, अगर इनके क्षेत्र से बिलोंग करता है तो इनका सदस्य वो हो सकता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। इसके अलावा योग्यता, ये सदस्य बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए आपको ये भी मालूम होना चाहिए। हमारे संविधान में एक ही योग्यता लिखी गई है, वो लिखी गई है ये कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। सदस्य अगर बनना है आपको नगर पंचायत का या नगर पालिका परिषद का या नगर निगम का, अगर सदस्य बनना है तो उसके लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और अध्यक्ष अगर नगर पंचायत का आपको बनना है या नगर पालिका का अध्यक्ष बनना है तब भी 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। लेकिन अगर मेयर बनना है तो मेयर के केस में ये आयु 30 वर्ष है। बस एक ही आपको पॉइंट याद रखना है कि मेयर बनने के लिए, नगर निगम का मेयर बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। और इसके अलावा राज्य विधानमंडल पर ये अधिकार छोड़ा गया है कि वो जो भी क्राइटेरिया बनाना चाहें योग्यता अयोग्यता से रिलेटेड वो कर सकते हैं। तो अलग अलग राज्यों ने अलग अलग कानून बनाए हैं, किसी किसी राज्य ने पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड भी योग्यता बनाई है कि आपको अगर अध्यक्ष बनना है चाहे नगर पंचायत का, नगर निगम का या नगर पालिका परिषद का, तो 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए या ग्रेजुएट होना चाहिए, ये अलग अलग राज्य विधानमंडलों ने कानून बनाए हैं, ठीक है। और अयोग्यता भी निर्धारित की है हर राज्य विधानमंडल ने अपने अपने स्तर पर। इसके अलावा कार्यकाल, तीनों ही लेवल का जो कार्यकाल है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था का था 5 वर्ष, यहाँ भी 5 वर्ष का कार्यकाल है और 5 वर्ष के बाद इनके चुनाव होंगे। अगर 5 वर्ष से पहले ये भंग हो जाती है तीनों स्तर पर, कोई भी अगर नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद या नगर निगम, कोई भी अगर भंग हो जाती है 5 साल से पहले, तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने होंगे, जिस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था में था, तो यही सिस्टम यहाँ भी है, ठीक है। अगर 4.5 साल से ज़्यादा बीत गए हैं, 4.5 साल से ज़्यादा बीत गए हैं तो अर्थात मतलब 6 महीने से कम बाकी रह गया है 5 वर्ष होने में, तब चुनाव कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब मान लीजिए 4 साल
6 महीने हो गए हैं या इससे ज़्यादा बीत गए हैं और नगर पंचायत भंग हो गई है, मान लीजिए नगर पंचायत भंग हो गई है, अब तो 6 महीने से कम बचा हुआ है ना, तो दोबारा चुनाव कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 5 साल पूरा बीत लेने दीजिए, अर्थात 5-6 महीने और बीत जाने दीजिए, उसके बाद फिर से चुनाव तो होंगे ही, ठीक है। और मान लीजिए 2 साल में भंग हो गई तो फिर से चुनाव करवाए जाएंगे, और जो दोबारा चुनाव कराए जाएंगे वो जितना समय बचा हुआ है ना उसके लिए चुनाव कराए जाएंगे, अर्थात 3 साल या 2.5 साल जो भी समय बचेगा उसके लिए चुनाव कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि फिर से चुनाव कराए गए तो मतलब 5 साल के लिए दोबारा से, नहीं, ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये याद रखना कि आरक्षण दिया गया है तीनों स्तर पर आरक्षण, ये सेम आरक्षण है जैसे पंचायती राज व्यवस्था में था। SC ST को आरक्षण दिया गया है, महिला को आरक्षण दिया गया है, OBC को आरक्षण दिया गया है। SC ST को तो उस शहर की जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है, मतलब उस शहर में अगर SC ST की जितनी जनसंख्या है उसी अनुपात में उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। और महिलाओं को आरक्षण 33%, अर्थात 1/3 आरक्षण तो न्यूनतम देना ही है, लेकिन ये राज्य की विधानमंडल पर निर्भर करता है, अगर वो आरक्षण बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है। तो बहुत जगह 50% कर दिया गया है, लेकिन 1/3 से कम नहीं कर सकते हैं, बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, 1/3 से कम नहीं कर सकते हैं। और OBC को जो आरक्षण है वो राज्य की विधानमंडल तय करेगी, राज्य की विधानमंडल अगर चाहेगी तो वो OBC को आरक्षण दे सकती है, अन्यथा नहीं दे सकती है, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखेंगे सभी आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल 243 P से लेकर आर्टिकल 243 ZG तक देखेंगे। हालांकि ऑलरेडी आपको बहुत सारी बातें मैंने बता दी हैं, वो किसी न किसी आर्टिकल में लिखी हुई हैं, वो हम फिट कर लेंगे अभी, क्योंकि जितनी कहानी आपको बताई है, गठन हो चाहे नगर पालिकाओं का, संरचना हो, कार्यकाल हो या आरक्षण हो, ये ऑलरेडी आपको कहानी पता है। अब ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ ये आपको नहीं पता है, वो अभी मालूम पड़ जाएगा। सबसे पहले आर्टिकल 243 P में परिभाषा बताई गई है, नगर पालिकाओं की परिभाषा बताई गई है, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 243 Q में नगर पालिकाओं का गठन की बात की गई है, याद रखिएगा ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। नगर पालिकाओं का गठन, 3 प्रकार की नगर पालिकाएँ हैं, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। जो छोटे शहर हैं, बिल्कुल छोटे शहर, जहाँ जो शहर गांव से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं वहाँ नगर पंचायत, जो मीडियम लेवल पर है नगर पालिका परिषद, जो बड़े शहर हैं वहाँ नगर निगम का गठन किया गया है, ये बात आर्टिकल 243 Q में लिखी गई है। इसके अलावा आर्टिकल 243 R में नगर पालिकाओं की संरचना की बात की गई है, कि सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, कौन कौन सदस्य होंगे, अध्यक्ष कौन होंगे, तो ये सारी बातें आर्टिकल 243 R में लिखी गई है, जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आर्टिकल 243 S, वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, ये नई बात आई है ना, अभी आपको बताया था आपके शहर में जब सदस्यों का चुनाव होगा तो अलग अलग वार्ड में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब इन वार्ड के जो सदस्य हैं इनका एक समूह बनाकर एक समिति बनाई जा सकती है, वार्ड समिति जिसे कहते हैं, लेकिन ये वहीं पर गठित की जा सकती है जिन शहरों, शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या 3 लाख से अधिक है, वहाँ पर वार्ड समितियों का गठन किया जा सकता है, ठीक है। लोगों का भला करने के लिए या नगर, जो आपकी नगर पालिकाएँ हैं, इसका डेवलपमेंट करने के लिए, आपके शहर का डेवलपमेंट करने के उद्देश्य से इन वार्ड समितियों का गठन किया जा सकता है। इस वार्ड समिति में होगा क्या, एक या एक से अधिक वार्ड को मिलाकर एक समिति बनाई जाएगी। इसके अलावा आर्टिकल 243 T में आरक्षण की बात की गई है, आरक्षण कितना कितना होगा ये ऑलरेडी आपको मालूम है, किसको किसको मिलेगा। SC ST को उस शहर की जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा, मतलब इस शहर में अगर मान लीजिए 20% SC ST है तो 20% इन्हें SC ST को आरक्षण मिल जाएगा। महिलाओं को न्यूनतम 33% मिलेगा ही, OBC को राज्य की विधानमंडल तय करेगी। इसके अलावा आर्टिकल 243 U में कार्यकाल बताया गया है कि तीनों ही लेवल पर कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, अगर 5 वर्ष से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने पड़ेंगे, और जो दोबारा चुनाव होकर आएंगे वो बचे हुए टाइम के लिए ही चुनाव होंगे, ऐसा नहीं है कि फिर से 5 साल के लिए चुनाव होंगे, नहीं, अगर 5 साल पूरा होने में 6 महीने से कम बाकी है तो दोबारा चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 5 साल पूरा होने के लिए अगर 6 महीने से कम बाकी था और नगर पालिकाएँ भंग हो जाती हैं तो दोबारा चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आर्टिकल 243 V में योग्यता बताई गई है, इन सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, ऑलरेडी आपको बता दिया गया है, न्यूनतम आयु 21 ईयर यही लिखा हुआ है। इसके अलावा आर्टिकल 243 W में
नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और कार्य के बारे में बताया गया, नगर पालिकाओं के पास शक्तियाँ क्या हैं और कार्य उनके क्या हैं। ये भी ऑलरेडी आपको बता दिया कि 12वीं अनुसूची में 18 विषय बताए गए हैं, 18 काम बताए गए हैं इन्हें, उन्हीं पर काम करने की इनके पास शक्ति है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे नगर पालिकाएँ क्या करती हैं बताइए, शहर में आप रहते हैं तो नगर पालिकाएँ आपके लिए क्या करती हैं, सड़कों का निर्माण करवाती हैं, आपके लिए पानी की व्यवस्था करती हैं, आपका जो सीवरेज या नाली है उसकी व्यवस्था करती हैं, और आपके लिए खेलकूद के मैदानों की व्यवस्था करती हैं, कोई इलीगल कब्जा ना हो जाए उसका देखभाल करती हैं, कूड़ा करकट जो है उसकी व्यवस्था करवाती हैं कि उस जल्द सफाई होती रहे। तो ये काम है नगर पालिकाओं के, इन कामों को 12वीं अनुसूची में लिखा गया है, जो 18 काम है। ठीक है, 18 काम ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, देख लीजिए लिखा हुआ है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ लीजिए, बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कहीं पूछा नहीं जाएगा, बस आपके दिमाग में बैठाने के लिए। देखिए, जैसे सड़क आपके लिए बनाएंगी, पुल निर्माण करवाएंगी, सार्वजनिक भवनों की सफाई कराएंगी, और कूड़ा करकट का प्रबंध करना है, ठीक है, और आग कहीं लग गई है तो जल्दी से जल्दी फायर ब्रिगेड को बुलाना है, पेड़ पौधे लगवाना है, तो यही है जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके हितों का संरक्षण करना है। तो ये सब छोटे मोटे जो काम हैं इन्हें दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आर्टिकल 243X में ये लिखा गया है कि टैक्स लगाने की शक्ति है इनके पास। जिस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था में बताया था कि जो पंचायतें हैं, पंचायती संस्थाएं हैं, उन्हें भी टैक्स लगाने की शक्ति दी गई, उसी प्रकार नगर पालिकाओं को भी टैक्स लगाने की शक्ति दी गई है। प्रॉपर्टी टैक्स लगा सकते हैं, सड़क जो आपके लिए बनाई उस पर टैक्स लगा सकते हैं, आपके लिए पानी की व्यवस्था की है उस पर टैक्स लगा सकते हैं। ये टैक्स लगाएंगे तभी तो उनके पास इनकम आएगी, तभी तो वो अपने शहर का विकास कर पाएंगे, इसीलिए टैक्स लगाने का शक्ति इनको दी गई है। इसके अलावा आर्टिकल 243Y, वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। हर 5 वर्ष में एक बार राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि वो राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे, ये आर्टिकल 243Y में लिखा गया है। वो राज्य वित्त आयोग क्या करेगा, राज्य की संचित निधि से नगर पालिकाएँ जो संस्थाएं हैं इन्हें कितना पैसा मिलेगा वो निर्धारित करेगा, और नगर पालिकाओं की जो वित्तीय स्थिति है उसमें सुधार करेगा कि टैक्स कैसे लगाना है, उन्हें मतलब सुझाव देगा। तो ये है वित्त आयोग का काम। ठीक, इसके अलावा आर्टिकल 243Z, इसमें ये कहा गया है कि नगर पालिकाएँ जो भी काम करती हैं, जो भी उनका लेखा जोखा है, उसका ऑडिटिंग करवाया जा सकता है, उसको चेक किया जा सकता है कि ये अच्छा काम कर रही है कि नहीं, अर्थात ये कोई इलीगल काम तो नहीं कर रही, मतलब जितना पैसा इन्होंने लिया है खर्च करने के लिए क्या उतना ही खर्च किया है, कहीं अपनी जेब में धांधली तो नहीं कर रहे हैं। तो ये है मोटे तौर पर, समझिए, नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा कराने का अधिकार आर्टिकल 243Z में कहा गया है। उसके अलावा ZA, आर्टिकल 243ZA, नगर पालिकाओं के निर्वाचन की बात की गई है कि नगर पालिकाओं का निर्वाचन करने के लिए एक निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा जो हर 5 वर्ष के बाद इनका चुनाव करवाएगा। तो ये निर्वाचन आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग का ये कर्तव्य है कि नगर पालिकाओं का जो चुनाव है हर 5 वर्ष में वो निष्पक्षता से करवाए। उसके अलावा आर्टिकल 243ZB में ये कहा गया है कि जो नगर पालिकाएँ जो संस्थाएँ हैं, जो ये सिस्टम है शहरी व्यवस्था में, ये तो राज्यों के लिए कानून बनाया गया है, अगर राष्ट्रपति चाहें तो इसे केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है कि अगर वो चाहें लागू कर सकते हैं, अगर वो चाहें नहीं लागू कर सकते हैं, तो ZB में साफ तौर पर लिखा गया है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में नहीं लागू होगा, संसद जिसमें कानून बना देगी कि इस क्षेत्र में, इस राज्य में नहीं लागू होगा, तो वहाँ पे नहीं लागू हो सकता है, ये आर्टिकल 243ZC में लिखा गया है। ठीक है, उसके अलावा आर्टिकल 243ZD में लिखा गया है जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा, जिले का विकास करने के उद्देश्य से एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा, ये आर्टिकल 243ZD में लिखा हुआ है। जैसे एक जिले के अंदर शहर भी होते हैं, गांव भी होते हैं, अब इस जिला योजना समिति का जब गठन किया जाएगा, इसमें शहरी प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और गांव की जो पंचायती व्यवस्था है वहां के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे, तभी तो जिले का विकास हो पाएगा। जिले का विकास करना है तो मतलब क्या है, शहरों का भी विकास हो और गांव का भी विकास हो, किसी जिले के अंदर शहर भी होते हैं और गाँव भी होते हैं, तो गाँव में जो पंचायती सिस्टम है, पंचायती संस्थाएं हैं, वहाँ के भी प्रतिनिधि इस जिला योजना समिति में शामिल होंगे, और शहरी जो व्यवस्था है
वहाँ के भी प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। उसके अलावा आर्टिकल 243 ZE में महानगर योजना समिति का गठन करने की बात की गई है। महानगर का विकास करने के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 243 ZF और ZG। इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी मैं आपको बताता हूँ। ZF में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो नियम कानून पहले से विद्यमान थे, अर्थात जो नगर पालिकाओं वाला सिस्टम पहले से चलता आ रहा था, वो बना रहेगा, तुरंत ख़त्म नहीं होगा। मतलब 1993 में जब 74वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया, तो उसमें क्या था, उससे पहले भी तो कई शहरों में नगर पालिकाएं चलती आ रही थी, अपने अपने राज्यों ने अपने अपने हिसाब से छोटे मोटे लेवल पर बना रखी थी, तो वो तुरंत समाप्त नहीं हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि 1993 में कानून बना नगर पालिकाओं वाला तो वो जो पहले सिस्टम आ रहा वो समाप्त हो जाएगा, नहीं, वो चलता ही रहेगा। एक साल तक, अगले एक साल तक वो चलता ही रहेगा, ये आर्टिकल 243 ZF में कहा गया था। ये आज के डेट में, आज के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये पहले के लिए था, 1993-94 की ये बात है, वर्तमान में इसका कोई काम नहीं है। इसके अलावा आर्टिकल 243 ZG में, इसमें निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है, जिस प्रकार आपको पंचायती राज व्यवस्था में बताया गया था कि निर्वाचन संबंधी जो भी विवाद उत्पन्न होंगे, किन विवादों में न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना है, किन विवादों में हस्तक्षेप नहीं करना है, तो वो आर्टिकल ZG के माध्यम से पूरा वर्णित किया गया है। तो ये थी पूरा नगर पालिकाएँ, और जितने भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट थे सभी मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। अब भाग 9A आपका समाप्त हो गया है। नमस्कार, स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे, देख लीजिए।